जय जिनेंद्र, जय अज्ञान तिमिरा अंधानां ज्ञानानि जनसलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पूज्य बाबू जी का पवित्र स्मरण दिवस है। उन्होंने परिवार अमेरिका परिवार सभी साधारणियों ने यह सुंदर फैसला लिया है बाबू जी के स्मरण का। महाभाग्य हमको ऐसा योगी मिला और उनके साथ रहने का बहुत अवसर आया। बाबू जी के अनेक शिविरों में गया, बहुत याद आती। महाभाग्य से मिलते ज्ञानी जन, महाभाग्य से मिलते ज्ञानी जन, दर्शन ही मिलना दुर्लभ, दर्शन ही मिलना दुर्लभ, दुर्लभ सद वचन, महाभाग्य से मिलते ज्ञानी जन। गुरुवर सभा की नौ निधि नौ रतन थे, गुरुवर सभा की नौ निधि जो रतन थे, युगल उन्हीं में से अनमोल एक रतन थे, मिली छत्र छाया गुरु की, मिली छत्र छाया गुरु की, सफल हुई वचन, महाभाग्य से मिलते ज्ञानी जन, महाभाग्य से मिलते ज्ञानी जन। गुरुदेव जी का आना विदेश क्षेत्र थी और बाबू जी जैसे रत्न पत्थर तैयार होना विदकता पंचम काल चौथा काल बनते हो गया। तो गुरुदेव जिनको अपने विस्मरण करते हो वो जीव कैसा होगा। संत जिनके करीब होते हैं वे बड़े खुश नसीब होते हैं, गुरु भी जिनको याद करते हैं उनके बहुत ज्यादा नहीं भूते हैं, मिलता है गुरुजनों का समागम कभी कभी, मिलता है सदगुरु का समागम कभी कभी, खिलती है अपने ज्ञान की रंगत कभी कभी, मिलता है गुरुजनों का समागम कभी कभी। किस तरह शिव की बात निकलती थी बाबू जी की, अति की बात मस्ती से कहते थे युगल जी, आनंद की बंसी बजा ही रहे युगल जी, शास्त्रों में शब्द तो भरे पर मर्म कहाँ मिले, मुक्ति का मर्म खोलने गुरुविन कोई नहीं, सदसंगति आत्मार्थियों को है समावतरण, मुक्ति के मर्म मंत्र भी मिलती जहाँ कहीं, मिलता है गुरुजनों का समागम कभी कभी। गुरुजनों को देख हृदय में मेरी प्रेम उमड़ावे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। जो भी बाबू जी के संपर्क में आए हृदय गदगद होकर के लौटता था उनके व्यवहार से, उनके परमार्थ। बाबू जी से सबसे पहले जब चर्चा हुई, जब अंतिम समय स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बाबू जी आपका स्वास्थ्य कैसा, हमारे यहाँ से 200-250 व्यक्ति जबलपुर से यात्रा में पहुंचे थे, बाबू जी आपका स्वास्थ्य कैसा है,
भाई समुद्र में स्वस्थ तो मैं भी स्वस्थ। अरे बाबू जी हम आपकी शरीर की तरफ से पूछ रहे हैं आपका वर्तमान में शरीर का स्वास्थ्य कैसा है। तो बोले ये नाम कर्म से पूछो भाई, बिजली कर्म से पूछो, ये रिमोट कंट्रोलर उनके हाथ में, मैं तो स्वस्थ। इसी निष्प्रयता बाबू जी के अंदर में थी। बाबू जी आपको 37 वर्षों से माइग्रेन, इसकी दवा लेते हो बाबू जी आप, कैसा चिंतन चलता भैया? ये माइग्रेन और भेद भी विज्ञान बढ़ जाता है, कहीं नहीं होता मुझे मालूम है, परंतु उस समय और ज्यादा ज्ञान की और अपने स्वभाव की याद आती है जब कोई विराधना ना हो, और वेदना के समय भेद विज्ञान और विशेष होने लगता है। बाबू जी की इस तरह की आराधना चलती थी, जैसे जे भाई मेरी तबीयत कैसी है, मैं तो जिनवाणी माँ की गोद में विश्राम करता रहता हूँ। शरीर गर्म होना, शरीर का ठंडा होना, ये तो शरीर का पुद्गल का धर्म है, इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं। ये तो जो मोह ममता का दुख है वो तत्व ज्ञान के बल से ही मुझे मिले। बाबू जी आपने ये रचनाएं कब से लिखना चालू? बाबू जी ने बताया कि 15 वर्ष की उम्र से जैसे देशभक्ति के गीत लिखता था, 75 वर्ष की उम्र में उन्हें छपने की हिम्मत दी। लोगों को छपाती रोग हो गया, ये अच्छा नहीं कहलाता। जिनागम आचार्यों की वाणी से भरा है और हर आदमी थोड़ा सा लिखता है और छपवाने पहुंच जाता है। बाबू जी के जीवन से गंभीरता भी अपन को सीखने मिलती है कि 75 वर्ष की उम्र में और उनसे सब संकलित किए उनके परिवार ने और देवेंद्र भैया ने सिजौलिया वालों ने जिसके रचनाओं को जो चैतन्य विहार चैतन्य भाटक आदि छपी है, इससे पता चलता बाबू जी की कितनी गंभीरता। बाबू जी आपको स्वामी जी कब समझ में आए? तो बोले प्रथम बार ही मैं जब मैं कोटा से ज्ञानचंद जी के साथ गया था और बंद अधिकार मैंने सुना, ये जी पर जीव को मार सकता ही नहीं है, पर को बचा सकता ही नहीं है, तो भगवान आत्मा है, ज्ञान का आनंद का दरिया है, ये करता धरता नहीं है या करता ज्ञान। तो बाबू जी बोले हमें तो ये रोज सुनने मिलता है कि ये जीव को न मारो और बचा रहो, ये मर जाएंगे, देख के चलो, देख के सोचो और पानी छानो, ये सब बात है और ये बात तो आज कुछ नहीं मिल रही है। तो बाबू जी का एकदम से बोले हमारा माता एकदम से गुरुदेव के चरणों में झुक गया, इतना सदाचार तो हमें घुटी में हमारे पूर्वजों ने दिया था और ये वेद विज्ञान, वेद विज्ञान का जो मंत्र है ये हमें गुरुजन से मिला। तो बाबू जी बोले विधाता सिद्धीर शिवमार्ग विधेर विधाता, मेरा एकदम से मुझे शिवमार्ग का विधाता मिल गया और मेरा सिर झुक गया। और 20 दिन तक शिविर में रहे। बाबू जी बोलते थे भाई मार्ग तो बहुत गंभीर है, धीरे धीरे प्रवेश करता था, पर उसकी अपूर्णता मुझे पहले ही दिन समझ में आ गई थी कि मैं बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ, यहाँ भगवान महावीर स्वामी का मार्ग। बाबू जी की ये विशेषताएं थी कि वो विद्वानों को घर पर भोजन कराए बिना नहीं रहती थी। मैं स्वयं जब 10 लेक्चर पढ़ में गया तो चिन्मय को भेज के तो पंडित जी ने दूध मक्का शाम को लिए कि नहीं, पानी लिया कि नहीं, कुछ ले तब तक, जब तक ना ले तब तक तुम खड़े रहें आना नहीं, ऐसी अंदर से करना चाहिए। दृढ़ता पर तत्व ज्ञान की बात सब कर लेना, यहाँ आए हो तो आत्मा सीख के जाओ और सिखा के जाओ। हम सबसे पहले बाबू जी के कोठे में पहुंचे जहाँ बैठे थे बाबू जी, वहाँ घड़ी लगी। तो बाबू जी ने क्या बताओ तुम्हारी परीक्षा कहने के, यू आर इन्वाइटेड विद्वान, हमारे यहाँ में विद्वान हो, हम आपका परीक्षण करेंगे, बता दे क्या। उनका बाबू जी घड़ी, अरे ये तो घड़ी तो बच्चा ही बता देगा, हम इसके लिए तो थोड़ी बुलाए। तो बाबू जी क्या बताना चाहते, अरे भैया ये दिखे और तुम्हें ज्ञान प्रसिद्ध होना चाहिए, ये घड़ी ज्ञान का प्रतीक दिखना चाहिए, रुचि होना चाहिए, इतना रस आना चाहिए। तो बाबू जी अपने घर में जो किराए से जगह देते थे तो उनसे कहकर के रखते थे कि यहाँ टीवी चलाने की अनुमति नहीं है, यहाँ आलू प्याज नहीं चल सकता, कंदमूल नहीं बनाए जाते, यहाँ रात्रि भोजन करने वालों को जगह नहीं मिलती। क्या समझ में आया? बाबू जी का एक लोक व्यवहार, कोई अजैन भी रहे अजैन भी रहे तो भी उसकी सीख मिल जाती थी बाबू जी कि ये जीवन कितना अनुकूल है और कैसे जीने। शिविर लगाया बाबू जी ने, 50,000 की व्यवस्था पहले चाहिए ऐसा जब शिविरार्थियों ने कहा, तब बाबू जी ने अपना सोना बेच के उस शिविर लगवाया। स्वाध्याय भवन बनवाया तो किसी से चंदे शिक्षा की रसीद वाली बात नहीं की,
जाती है, हमारे यहाँ की जो राशि मिलेगी उसी से हम स्वाध्याय होंगे। तीर्थ सुरक्षा फंड था बाबू जी की कारण से, उसमें भी वृद्धि करवाई बाबू जी ने। ये बोरा बहुत बड़ा काम है तीर्थ सुरक्षा फंड का, इसमें खूब लोगों को जोड़ा और उसमें राशि बढ़वानी। बाबू जी के यहाँ पंच कल्याण शिविर चले, तब उस समय तूफान लोरूपू तूफान चला रहे आदि के गीत उसी समय की रचना है। बाबू जी जिस समय थे पंच कल्याण होते थे, तो बाबू जी का इतना विशुद्ध जीवन था, इतना पवित्र हृदय था, इतनी बात जगत के लोग यही साधक ही मानते थे कि बाबू जी के सामने कोई मंच पर मेला नृत्य नहीं करता। बाबू जी कहते थे मंच महावीर भगवान का है, इतरा की दरबार, यहाँ पर अनैतिक काम नहीं हो सकता। बाबू जी आपके यहाँ पाठशाला तो पढ़ाते होंगे ना बच्चियां बच्चों को, हमारे यहाँ बच्चियां बच्चियों को पढ़ाते हैं और बच्चे बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ कोई किसी को मतलब लड़के लड़कियों को नहीं पढ़ाते। हमसे तो आपके समय जब गए बाबू जी से मिलने के लिए, उन्होंने तो ऐसा कहा था कि इंद्रो से बहन गई और वो वृद्ध थी और सोनगढ़ उसे जाने का भाव आया, तो काई को मरी वो परसों ने उसे हाथ लगाया होगा। बाबू जी जितना सोचते थे अपन तो कल्पना नहीं कर सकते बाबू जी के बारे में। बाबू जी आपने जो सिद्ध पूजन लिखी तो बहुत ज्यादा साहित्य थे, इसको सरल बना दो। इतना अच्छा उत्तर दिया था उन्होंने कि भाई रत्न जड़े आभूषण हो उसकी पैकिंग कैसी हो, ऐसे ही हमारी सिद्ध पूजा है, भगवंतों के बताए सिद्धांत है इसमें रत्न भरे, ऐसी साहित्यिक विधा से ही ये पूजन शोभा देती है और ये कालजयी पूजा बन गई, त्रिवेदी पूजा बन गई। और वो खुद ही कहते थे ये पूजा में देखो कितना भरा है और कैसी बन गई, कोई बनाने वाला करता धरता नहीं है, इसका लाभ भी। बाबू जी को कोई सीताजी शक्ति याद करके सुनाने लगती तो बाबू जी कहते थे भैया अपने ज्ञान से बहुत काम लेना है, इसे ज्यादा रटवाओ नहीं, भार नहीं डालो, इसे आप भेद विज्ञान का काम लेना है। ये तो अपनी प्रसिद्धि और तैयारी बताने के लिए कि मुझे सीताजी शक्ति सीताजी इतना याद है और मैं बहुत जानता हूँ, इसमें नहीं पढ़ो, इस ज्ञान को वेद विज्ञान में लगाओ। सात महीने 9 दिन तक आदिनाथ जी आज के लिए निकले, पर उन्होंने क्यों नहीं लगाया, बच ने जानते थे कि हम इस ज्ञान में अपना उपयोग कैसे लगाएंगे, हम अपने वेद विज्ञान से पढ़ सकता, कैसे थे बाबू जी अपन कल्पना नहीं कर सकते। तो बाबू जी के जीवन से कैसे समाधि तेज में जो उपलब्धि हुई उनको जागृत दशा में दे छोड़ी, उनकी मंजू बेटी उनकी चिन्मय भैया प्रदीप सर ये सब उपलब्ध थे और उत्साहित भाव से बाबू जी को याद करा रहे थे। बाबू जी आपसे एक प्रश्न है कि आप आत्मा आत्मा की बातें करते हो इससे पेट भर जाएगा क्या, ऐसा भरी सभा में किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया तो बाबू जी ने इतना मधुर उत्तर दिया था कि बोले भैया तुझे पेट ही नहीं दिखेगा तो पेट भरने की क्या जरूरत है, ये तो अनंतान मन की कथा है, जो तुझे लगता है कि मैं मनुष्य हूँ और भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, अरे तुझे पेट के प्रति एकत्र हो गया है, तो अपने भगवान को तो देख इसमें पेट ही नहीं है, तो अनंतान मन की कसाय की भूख को अभी तत्काल मिल जाए, तब तो ज्ञान की ताकत है जो बाबू जी ऐसा उत्तर देते थे। बाबू जी पूछते थे बाबू जी ये अस्त्रों ने सारे विश्व में कब्जा कर रखा है, ये मोर्चि का सारे जगत से सिक्का चलता है, तो ऐसे मोर्चि किसी बच्चे का, ये अपन तो बहुत हीन काल में जन्मे हैं, सेना नहीं है, सर्वज्ञ देव का विरह है, राजीव बिहारी विराज नहीं है, समोसा नहीं है, हम क्या करेंगे। इतना सुंदर उत्तर दिया था बाबू जी ने कि बताओ इतना बड़ा रावण तीन खंड का अधिपति विद्याधर 100 सिंहों हाथियों के रथ पर चलने वाला, एक पैदल चलने वाले राम ने लक्ष्मण ने उसे कैसे मार दिया, भाई कितना बड़ा भी आश्र हो पर उसका बेस अज्ञान, अज्ञान लगाता है उसका निश्चित चैतन्य विरोधी है, इसलिए बाबू जी ने कहा कि घबराना नहीं कभी, ये आश्रम कैसे जीते जाएगा क्योंकि स्वभाव में आश्रम तो ही होता, स्वभाव तो भगवान होता है। बाबू जी ने स्वामी जी को समझा, चैतन्य की जहल पहल से पता चलता है बाबू जी क्या थे, और ये लेख हमारे बाबू जी का स्वामी जी ने सुना, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन कर ली, गुरुदेव जी का जीवन चरित्र अपन भी सबने पढ़ा। बाबू जी विशुद्धि के बिना तो शुद्धि नहीं होती ना, तो बोले बाबू जी अरे भैया विशुद्धि के बिना शुद्धि नहीं और विशुद्धि गहरी है लगे बिना भी शुद्धि, प्लेटफॉर्म पर पहुंचे बिना भी ट्रेन नहीं मिलेगी,
प्लेटफॉर्म का मुंह नहीं छोड़ोगा तो अभी प्लेट नहीं। बाबू जी जब हम अस्थि गाथा ले रहे थे वहीं पर पूछा बाबू जी से, हम अस्थि गाथा लेना बाबू जी प्रोफेसर साहब तो सुनो पहले। हमने कहा सुना बाबू जी क्या कहना चाहे कि तुम्हें पाप पुण्य किंचित कर लगा कि नहीं। देवी की नयन गाथा में हमारे आचार्य पुण्य कुंडेव ने 77 और 78 आदि गाथा में लिखा जो जीव पुण्य और पाप में अंतर डालता है वो घोर संसार में डोल लेता है। जब तक ये महादुख संकट निकट है ऐसा हमारे भावलिंगी संत कहते हैं कि सात में से गिरने पर जब हम छठवे में आते हैं शुभ आचार होता है इसका फल तो स्वर्गों का संयोग जलाना है और वहां पर जहर विष भोग सामग्री प्रचुर मात्रा में पड़ी है और ये जीव उसमें रमा तो एक हिंदी वृक्ष होने में देर नहीं लगेगी। तो बाबू जी कहते महादुख संकट निकट है तो हमसे बोले कि बेटा पाप पुण्य अकिंचित कर समझ में आया कि नहीं। पाप भाव के अनुसार विश्व में कुछ भी नहीं होता दुखी होता ही। पुण्य भाव के अनुसार कितना भी पुण्य के परिणाम सोलह कारण के हो चाहे किसी भी प्रकार के विशुद्ध भाव हो इन परिणामों के अनुसार प्रकृति में कुछ नहीं होता तेरे पाप पुण्य विकल्प सब अकिंचित कर है विश्व ऐसा समझ में आए तो अस्थि गाथा प्रारंभ हुई कि तू अनंत भगवान को दो तरह से पढ़। एक तो लोग बिना समझे अनंत को जैन कुल में जन्म लेने से अनंत देव का लाभ लेते हैं उससे इतना तो होता है कि उनकी सुगत ही नहीं हो पाती। परंतु उन्होंने कहा कि अनंत देव तू भक्ति और अनंत देव से तत्व ज्ञान तो हमने आज तक अनंत देव को दृढ़ गुण पर्याय करने से तत्व से समान समझा होता तो ये मूल खड़ा नहीं। वो कहते थे कि देव कुंद कुंदाचार का बल देखो कि वो कह रहे हैं कि मोह का क्षय हो जाए जबकि जानते थे इस काल में चाहे तुम्हें दर्शन नहीं होता है फिर भी कहते थे कि मोह का क्षय करके रहो ये अर्घ समर्पण करके प्रभु निर्गुण का अर्घ बनाऊंगा और तेरे ग्रस्त प्रभु और हम तपस्या पाऊंगा। यहाँ तो हमें अमृत चंद्र भगवान ने कहा कि बद्धा कक्षे हम ये मूल रूपी सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने कमर कसी। यहाँ बाबू जी पहली पूजा में कमर कसवा दी क्योंकि इतनी सुंदर पहली पूजा है आध्यात्मिक नवीन पूजा क्योंकि ज्ञानत राय जी वृंदावन दास जी और चैतन्य आदि की पूजाओं की बात किसी की हिम्मत पहले नहीं पड़ती थी लिखने की तो बाबू जी ने प्रारंभ किया आध्यात्मिक पूजा लिखी। हमने बाबू जी से पूछा बाबू जी आपने सिद्ध पूजा में क्या लिख दिया शरण जो अपराधी को दे अरे अपराधी है भगवान भगवान भी कोई अपराधी होता है क्या। तो बोले भैया जो भगवान काहे का भगवान है जो पाप हम करें वो कोई कैंसिल कर दे हम मुंह में मिर्ची रखे और मिर्ची का स्वाद दिला दे मिर्ची रखे और मिर्ची का स्वाद दिला दे ये तो बेईमानी जो जैसा करेगा मुख करे जैसा लगे थे। तो बोले ये अपराधी है वो भगवान नहीं भले जगत उसे भगवान मान संसार में गुरु कृपा शक्ति निराली होली यही दशहरा यही है दिवाली जो सिद्ध है वह तब तक ऋणी रहेगा जब तक न प्राप्त हो दत्तला। बाबू जी के साथ हमने शिखर जी के शिविर की और शिखर जी के शिविर ग्वालियर के शिविर कोटा के शिविर अली में युग बनता था बाबू जी के साथ रहने का। तो जब वो शिखर जी का शिविर लगाते लगा था उनकी मुख्यता से लगता तो वो पहली गाथा लेते थे 15-15-20 दिन चलती थी और उसमें कहते थे शपथ ग्रहण समारोह की गाथा बोले जब तक तू अपने में और सामने वाले में सिद्धत्व की स्थापना नहीं करेगा पहली गाथा तुझे नहीं बचेगी तब तक तुझे चार दूसरी गाथा से लेकर 415 गाथा कुछ समझ में नहीं आने। ये एक उदाहरण देते थे बाबू जी चैतन्य की चैन पेड़ में भी लिखा है कि सम्राट की महारानी यशोधर महाराज की महारानी महावत पर मुग्ध हुई। उन्होंने कहा ये कैसा नाटक है कहा महावत और कहा महारानी कहा महाराजा इतना महल सुंदर छोड़ करके क्यों गई वो महारानी महाराजा महावत के पास। तो बाबू जी कहते थे परिशुद्ध कांचन तत्व होने पर भी आत्मा की परिणति में इतना भयंकर अपराध क्यों रहा। इसका उत्तर आत्मा का कष्ट का उत्तर आत्मा को छोड़कर बाहर खोजना ये दार्शनिक उन्होंने कहा ये परिणति की स्वतंत्र चेष्टा। हमने स्वामी जी ऐसा कहते थे कि हमने भूतकाल में इतने अनंतों की कहानी सुनी है अनंत बार समोसर में गए है वो बात हमें समझ में क्यों नहीं। जैसा स्वामी जी उत्तर देते थे
भाई ये भूतकाल का रोना मत रोना, ये पर्याय की समय की योग्यता से बात समझ, इस समय काल पक्का है तुम्हारा, इसलिए इस समय समझना। यानी तुम ये पुरानी याद कर करके धर्म को नहीं छोड़ देना। जैसे बाबू जी कहते थे ये महारानी की परिणति की स्वतंत्र चेष्टा है, क्योंकि महाराज में कोई कम नहीं है ताकत, वो महाभारत में कोई आकर्षण का कारण नहीं है, और फिर भी महारानी मुख धोली। बाबू जी एक प्रश्न हमेशा छेड़ते थे, बहुत बार हमने उनके मुख से सुना है कि बताओ किसी समृद्ध सम्राट की महारानी का दिमाग फेल हो गया हो, कमजोर हो गई हो, और वो अपने घर से निकलकर रात के दरवाजे पर कटोरा लेके या हाथ फैला के जीत मांगे, तो बताओ तुम उसके साथ कौन सा व्यवहार करो। वो कहेंगे ज्यादा करुणा वाले हुए तो कहेंगे बाबू जी उसे कुछ भोजन करा देना चाहिए, भक्ति बड़ी घर की है तो क्या नुकसान। तो बाबू जी इतना अच्छा उत्तर देते थे, अरे उसे भीख देना भिखारिन बना दो। तो क्या करना चाहिए बाबू जी, उसे उसके महल में छोड़ के आना चाहिए, तो वो महारानी बन जाएगी, तो चलते उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं। इसी तरह हमारे आचार्य कुंभकुंभ देव ने, अमृत चंद देव ने 700 देव बताया, कारण परमात्मा बताया, चैतन्य भगवान बताया, अरे जीव तू भगवान आत्मा है, तू भिखारी मत बन। जैसे योग सार में आता है ना कि जैसे कोई सिद्ध भगवान अपने महावीर भगवान कटोरा लेकर के भीख मांगे तो हमें अच्छा लगेगा क्या, यदि हमारा भगवान आत्मा इतना महिमा बन सकते है और हम उसे भूल करके दल दल की ठोकरे खाए जैसे उसे भीख मांगे। बाबू जी कहते हमारा जैन शासन है, हमारे बाबू जी ने बहुत बल दिया उनकी वार्ता में, बहुत कहते थे राजन भाई वचन में वजन होना चाहिए, ऐसे कहते तुम वचन तो वही बोले एक लमोकार मंत्र, एक सर्प का विष्णु डालने वाला मुसलमान भी पढ़ेगा, एक श्वेतांबर भी पढ़ेगा, एक तुम भी पढ़ोगे, एक स्वामी जी पढ़ेंगे, एक मुनिराज जी पढ़ेंगे, लमोकार मंत्र तो वही। और देखो वचन में कितनी ताकत है, किसका मंत्र वसुदेव पढ़ रहे हैं तो चंद्र प्रभु की मूर्ति टूट रही है, हरी व्यक्ति पढ़ रहा है और नदी में पढ़ के नीचे उतर रहा डरता हुआ, मंत्र तो वही है पर तुम्हारी चित्त में श्रद्धा और भजन कितना। तो बाबू जी कहते थे सब तो वही हमारे भगवान की हमारी है, पर इसको खेल नहीं बनाओ, इसकी बहुत गरिमा है, बहुत महिमा है, बहुत ताकत है हमारी भगवंतों की। बाबू जी के द्वारा जो लेख लिखे गए, कौन सी लेख, चैतन्य की चेल पेल, और जैसे बाबू जी से चर्चा होती थी तो बोलिए भैया शिकायतानंद नहीं मन संतोषानंद मन, वस्तु व्यवस्था से समझौता कर, वस्तु व्यवस्था में कहीं गड़बड़ नहीं होती, सर्वज्ञ व्यवस्थित बात हो जाती। आज बाबू जी का जो आधा पौन घंटा प्रवचन हुआ क्रमबद्ध परिणाम का अद्भुत प्रवचन था, जैसे कि भाई क्रमबद्ध यदि वस्तु के परिणाम नहीं होते तो फिर भगवान का जानना भी क्रमबद्ध नहीं होता। अरे मध्य सुज्ञान तो क्रमबद्ध जान लेता है कि कल आप बुधवार तो कल गुरुवार आएगा, गुरुवार की बात तो गुरुवार आएगा, ये यदि बच्चा है तो जवान होगा, जवान है तो बूढ़ा होगा, ये यदि भगवान के पास जाएगा तो शांति मिलेगी, समझेगा तो शांति मिलेगी। तो अभी अपना मति ज्ञान का बहुत अच्छा प्रवचन था आज का। तो बाबू जी ऐसा कहते थे वायुमंडल खराब है ऐसा नहीं कहा करो, मौसम खराब है ऐसा नहीं कहा करो, वायुमंडल ऐसा बदल रहा, पानी अच्छा नहीं है खराब है ऐसा नहीं कहो, पानी शिकायतानंद मत बनाओ, शिकायतानंद की गली छोड़ दो और संतोषानंद के मोहल्ले में रहने लगो। बाबू जी के वचन कैसे निकलते, सिद्धों के बंधन से प्रारंभ क्यों किया बाबू जी, अमृत चंदेव ने तो समय तारा से प्रारंभ किया, सिद्धार्थमा से देव जी ने सिद्धों के बंधन से प्रारंभ क्यों, उन्होंने इतने अच्छे उत्तर दिए थे निकलने में कि भैया जब तक तुझे सिद्धों का आनंद नहीं भर जाएगा तेरी चित्त में, अरे हमारे भगवान का आनंद हो, अरे हमारे भगवान की गति अचल है, अरे हमारे भगवान का आनंद आनंद कम है, ऐसा कोई विश्व में किसी के पास आनंद होता ही नहीं। तीन काल के सारे शब्दों को इकट्ठा कर लो और उसमें अनंत का गुण अनंत बार करो और उनसे सिद्ध भगवान के एक समय की गुण की महिमा करो तो वो अपंग है और वजनदार बन कह लो ये बैठेगा सिद्धों का। तो बाबू जी कहते थे देखो तो कुंभकुंभ देव वो भी तो लिख सकते थे कि सिद्धार्थ माते ही प्रारंभ करने और उन्हें तो सिद्ध होना है तो सिद्ध दशा याद आई और सिद्ध दशा के प्रति आकर्षण हो जी मंदिर तो सब सिद्धे ध्रोवो अचल मनोभवाम गति पत्ते। उन्हें देखो तो कुंभकुंभ देव कैसा हाल होगा, उनका भक्ति भी कर रहे हैं तो अपना लक्ष्य बताते भी कर रहे हैं।
सबका लक्ष्य बनाते हुए कर रहे हैं। इसी गुरुदेव मिली और ऐसी गुरुदेव की सृष्टि मिली, अपन तो कोई कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे बाबू जी कैसे होंगे, उनके चित्त में क्या होगा, उन्होंने हमें क्या दिया है। कि बाबू जी कहते थे कि ये सम्यक दर्शन वाले लेख में ये बाबू जी तो इस तरह से अज्ञान काम तो होगा क्या, हम कब से ऐसे परेशान चले आ रहे हैं, अनंत काल हो गए, अनंत बाद शुगर शुगर गधे नारकी नमूद में गई और महावीर जी की 5,56,00,000 भाव ये पूरा पूरी सागर मारी से लेकर महावीर तक की तैयारी हुई, हमारे जी कितने हो गए, वही अंत कब आए, ये प्रश्न देख ये बाबू जी इस अज्ञान का अंत कब आए। तो उन्होंने क्या दिया उत्तर, ज्ञान में सबल विचार का उत्पाद ही अज्ञान का प्राणांतक है। क्या कहा, अरे ऐसे प्रचार होते ही नहीं, जिनकी होनहार अच्छी होती है ना उनके घर ही होनहार वालों के ऐसे विचार आते हैं, अरे मैं कौन हूँ, मैं अपने को समझू, ये परिणति क्यों बहन में पूरी, अरे मुझे क्यों कर्तव्य आता है, जब ये परिणमन होता है स्वतंत्र तो उसे भगवान भी मिल जाते हैं, उसका उसका प्रश्न ही उसे उत्तर दे। बाबू जी कहते थे ज्ञान में इस सबल विचार का उत्पाद ही अज्ञान का प्राणांतक है, क्योंकि प्रबल अज्ञान में ऐसे समर्थ विचार का उत्पाद ही नहीं होता। तो फिर बाबू जी पूछते थे कि अज्ञानी के पास तो ज्ञान नहीं है बाबू जी, वो कहाँ से समाधान ले ली। तो बाबू जी का इतना अच्छा उत्तर आता था, यह ज्ञान तो बहुत है पर वह पर सत्ता शक्ति के कारण से ज्ञान का सूक्ष्माति सूक्ष्म व्यवसाय यानी उपयोग करके लिए कर, ज्ञान की कमी नहीं है सब याद रहता पर ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर। किसी उत्तर है अज्ञानी के ज्ञान का यह आत्मा प्रश्न ही अज्ञान का अंत कैसे हो, अज्ञान को सुनी चुनो बाबू जी के शब्द कैसे निकल, भवन में जी भर घूम चुका वज्र फोन से प्रभु जगाया तुमने कितनी बात, किसी जो भी वचन बोलते थे ऐसा लगता था जैसे पूरे प्राण भर। बाबू जी के शब्द से अपन सब परिचित हैं, सम्यक दर्शन वर्तमान में कैसा है ये दशा और अस्तित्व नहीं देखता है, वास्तव में कैसा है ये स्वरूप बाबू जी, ये द्रव पर्याय स्वरूप समझने से क्या लाभ होगा, अरे वस्तु तो द्रव पर्याय मात्र है भाई, और इतना समझ में आ गया तो न द्रव्य में कुछ करने लायक दिखता है न गुणों में कुछ किया जाता है, परिणमन क्रमबद्ध है, सत्समय की योग्यता से अपने जन्म क्षण में होता है, तो एक कर्तव्य को विराम मिलता है, ज्ञान अंतर्मुख होता है और दृष्टि अंतर्मुख होकर की सम्यक दर्शन मिलती है। बाबू जी ने गजब की बात कही कि शुद्ध चैतन्य सत्ता मिथ्या दर्शनादि विकारी भावों से विकारी नहीं होती है और सम्यक दर्शनादि निर्विकारी पर्याय से निर्विकारी नहीं होता आत्मा, शुद्ध परिस्वभाव को नहीं देखना मिथ्या दर्शन है और शुद्ध स्वभाव को देखना सम्यक, गजब की सत्ता स्थापित की बाबू जी ने, गजब कर लिया इस काल में उनका आना, अमर कर गए बाबू जी, ध्रुव तत्व श्रद्धा के लिए मुख्य नहीं सब कुछ, ऐसा बहुत मतलब कितना कहा जाए, बाबू जी की सुचार लाइन और कह के समाप्त करते हैं, देह और आत्मा का वेद विज्ञान कर ले बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर, यही मोक्ष मार्ग है भाई, यही रत्नात्र है, चलने की एक कला जल्दी से थी, सरल शैली में और गजब की गहरी बात को बाबू जी ने रखा, गंदी रही आदत की पराई से अपनी पहचान, गंदी रही आदत की पराई से अपनी ज्ञान पहचान, अरे उसी पर समर्पित रहे उसी का सम्मान, पराई से मिलेगा क्या ये अकल के दुश्मन, पराई से मिलेगा क्या वो अकल के दुश्मन, एक बार तो केवल अपनी गरिमा को पहचान, जीवन सरिता के दो अनमेल किनारे हैं, तभी इनका हम छोड़ मुक्ति को सुधारे, तुम भी दोनों का पक्ष छोड़ दो भाई, निश्चिंत रहो इनको मिलाने में तो भगवान भी है। बाबू जी क्या थे सब जानते हैं, हमारे पास ताकत नहीं है उन्हीं के शब्दों को अपन दोहराते हैं, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करोरी, भोगे अनंत दुखो क्षमय हरोरे, अक्षय अनंत निस्तोक निधान पाओ गाओ हरे निखिल जी के गीत। जैसे बाबू जी की अमर रचनाएं, हमने उनके सामने एक रचना गाई थी ग्वालियर में, तुम्हें जान कर वो क्या कहते,
तुझे धरा पर यदि जड़ता से प्यार है तो चेतन बनने का क्या अधिकार। इतने खुश हो गए थे बाबू जी, कितनी बड़ी रचनाओं का लाभ ले रहे हैं लोग। बाबू जी के साथ बैठ जाते थे कभी खाने के लिए, कभी बाबू जी ऊपर बैठे, हम नीचे बैठे थे तो बाबू जी कहते थे भैया अच्छा नहीं लग रहा राजन, देखो तुम नीचे बैठे हो हमारे मेहमान हो। मतलब बाबू जी के एक एक बच्चा भी यार तो उसे भेजे नीचे तक जाए, इतना भी आदर नहीं आएगा क्या स्रोत का। और बाबू जी जयपुर में एक बच्चे को बुखार आया, उसकी माथे में बाम लगा, इनकी श्रीमती बाबू जी की वहाँ पर घरवानी जो काम पर नहीं आई, बर्तन वाली या झाड़ू वाली, उसके घर गई माता जी और उसको बाम। बाबू जी कहते भैया तेरे हाथ में मोबाइल और टीवी सोबा देवी से गिरी चीजें सदाचारी मन गीजरी जल नीना, तू अपने भगवान का व्यवहार भी देख और परमात्मा। वैसे बाबू जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। बाबू जी ऐसा लगते है कि कैसे दर्शन मिले और बाबू जी के बिना हम सब अनाथ से हो गए। स्वामी जी के जाने के बाद तो बहुत बड़ा बल था और बाबू जी ने बहुत काम किया, बहुत गजब का सूरज लिख के और बहुत उपकार किया उनके चरणों में। मेरा बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार।